नमस्कार साथियों, मैं संदीप बिश्नोई, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल या एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने शाम को 9 बजे एक लाइव वीडियो पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं और आप सभी साथियों के साथ लाइव वीडियो में चर्चा में शामिल होते हैं कि आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं और कल क्या कुछ रहेंगे। तो साथियों, रात में आपके साथ लाइव नहीं आ पाया, हालांकि हमने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो जरूर दी थी। तो जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं साथियों, साथ के साथ कमेंट भी जरूर कर दिया करें ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो आपकी फ़ोटो यहाँ शो होती है, हालांकि लाइक में भी शो होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, सही से दिख नहीं रहा। और जैसे अभी जाट साहब ने राम राम लिखा है तो कमेंट में वो भी हमें शो हुआ है और नाम भी शो हुआ है। तो साथियों, रोज़ाना अपने मंडी भाव की सुबह एक 9 बजे वीडियो YouTube चैनल पे और डाल रहे हैं, लेकिन आज Facebook पे लाइव आने का और YouTube पे डालने का दोनों का एक रीज़न ये रहा कि आज बाज़ार भाव जबरदस्त तेजी में है। और यूँ कहूँ कि साथियों, हालांकि 12,000 का आंकड़ा महाराष्ट्र में कल भी आया था, 12,000 रुपये निरमा कल महाराष्ट्र में बिक चुका था, लेकिन आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की अधिकतर मंडियों में भी आज निरमा 12,000 प्लस बिकने की पूरी संभावना है। यूँ कहूँ कि साथियों, जो भी तेज़ी बढ़ रही है ना, इतनी तेज़ी बढ़ रही है और इस तेज़ी में जाहिर सी बात है कि हमें आज अच्छे भाव बाज़ार देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपके साथ लाइव वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आशा करूँगा कि आपको अच्छे भाव मिले। ईश्वर से दुआ करेंगे कि भाई आपको अच्छे भाव मिले, क्योंकि भाव तेज़ मंदा रखना हमारे बस की बात तो है नहीं। बहुत से किसान भाई कहते हैं भाई 15,000 कद बिकाओगो, भाई 13,000 नरमो कद बिकाओगो, तो ना ही तो 15,000 बिकाना मेरे हाथ में है, ना ही 13,000 बिकाना मेरे हाथ में। अगर भारतीय बाजार में या विदेशी बाजार में कहीं पे भी तेजी आती है तो जाहिर सी बात है भाई नरमा 13-15 भी बिक सकता है। हालांकि हमने पहले भी, आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको ये कहा था, देखो भाई तेजी मंदी का कोई किसी को पता नहीं चलता, ऐसा इस धरती पे कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि आगे तेजी आएगी और वो आ भी जाए। 100% गारंटी लेके कोई स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। हाँ, बताने को मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आगे तेजी आएगी, तेजी आई भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथियों कन्फर्म नहीं होता है कोई भी आदमी इसमें। अगर मैं खुद कन्फर्म होता ना कि 12,000 रुपये आगे नरमा बिकेगा, 100% बिकेगा, तो मैं खुद इस नरमे को स्टोक कर लेता और आज 8,000-9,000 वाले भाव में और 12,000 वाले में बेच लेता। अधिकतम मेरी पूंजी नहीं है मेरे पास, अधिकतम मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास है उतना तो कर ही सकता था। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि मैं कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूँ और दूसरे जो भाई भी बता रहे हैं वो भी कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं है, लेकिन आंकड़े जिस रफ्तार से बोल रहे हैं ना, उस रफ्तार से अपने चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये गाड़ी जब 100 किलोमीटर रफ्तार की दौड़ रही है तो वो 2 घंटे में 200 किलोमीटर यात्रा तय कर लेगी। बस यही चीज़ें होती हैं, उसी के अनुसार हम बता देते हैं कि यार ये गाड़ी इस रफ्तार से निकली होती है तो 2 घंटे में बीकानेर पहुंच जाएगी। अब बात यह है कि भाई वो रास्ते में टायर भी फट सकता है, उसका पंचर भी हो सकता है, गाड़ी में डीजल भी मुक सकता है, कुछ भी 100 रीज़न हो सकते हैं यार। तो तेज़ी मंदी का दौर साथियों लगभग यूँ कहूँ कि किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन एक एवरेज अंदाज़ा अपने ज़रूर लगा सकते हैं कि भाई ये कुछ रहेगा। जो भाई लाइव वीडियो देख रहे हैं, भाई ओम प्रकाश जी कह रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहो, भाई कर दिया करो शेयर, थोड़ा हमें भी हौसला मिल जाता है जब दर्शक हमारी वीडियो देखते हैं। अब मान लीजिए अभी ये कोई भी आदमी वीडियो नहीं देखेगा तो फिर मेरे को तेजी मंदी बताने का फ़ायदा क्या? मैं जो आप मेरे पीछे ये दीवार देख रहे हो, दीवार को तो बता नहीं सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि दीवार को बताने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बात वही है कि अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, हालांकि देखते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखते हो, 15,000-20,000-30,000-50,000 व्यू आ जाते हैं वीडियो पे, लेकिन जब जितने ज़्यादा व्यू आते हैं ना फिर यूँ दिल को सुकून मिलता है यार, वास्तव में वीडियो शानदार रही होंगी इसीलिए व्यू ज़्यादा मिले हैं। हालांकि मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि भैया वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमियाँ रही हैं तो कमियाँ से हमें ज़रूर अवगत कराएं ताकि आने वाले समय में हम उन कमियों में सुधार करें और आपको एक बेस्ट बेहतरीन वीडियो मिल सके। तो साथियों, आज कॉटन में ज़बरदस्त तेज़ी है, भाई कह रहा है 16,000 हो जाएगा के नरमा। देखो 16,000 प्रेम जी हो ना हो, लेकिन आज 12,000 प्लस अपनी मंडियों में देखने को मिलेगा।
क्योंकि अब जो आज जो तेजी आई है ना, ये सीजन की सबसे बड़ी तेजी है। यानी कि 2021-22 वर्ष की बात करूं मैं सीजन की, तो सबसे बड़ी तेजी है साथियों, और इतनी तेजी आज तक नहीं देखने को हमें मिली है। तो विशेषकर इस वीडियो में हम जैसे कॉटन की लाइव बोली को लेके हमने स्टार्ट किया था, कॉटन के मंडी भाव को लेके हमने लाइव स्टार्ट किया था, और आज के लाइव में आपको बता दूं 135.84 यानी कि 4.95 और 3.77% आज यूएस कॉटन में तेजी है। यानी कि इतनी तेजी अचानक नहीं आई साथियों, तेजी जरूर आई ऐसी बात नहीं है। नरमा 5,000-5,500 से जो बिक रहा है वो आज नरमा 12,000 रुपये बिक रहा है, दुगने से भी ज़्यादा बिक रहा है। लेकिन जो ये कल दोपहर बाद जो तेजी देखने को मिली ना, वो जबरदस्त तेजी मिली। और भारतीय एनसीडेक्स जो अपने जिसे अपने डब्बा बोलते हैं, उस डब्बे में कल कॉटन 1,000 समथिंग तेज के साथ है क्लोज हुआ था, बंद हुआ था। तो अब 9:10 हो चुके हैं, और अब की अगर अपने स्थिति में देखें कि उसकी क्या स्थिति है, वो कितना बंद हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या स्थिति है भाई, जो में फिलहाल कोई तेजी मंदी का दौर नहीं है। क्योंकि सही बताऊं साथियों, अभी मैं वर्तमान समय में राजस्थान में नहीं हूं, मैं बाहर हूं उत्तराखंड में, और यहां किसान का उत्तराखंड पंत नगर में किसानों का मेला के आयोजन हो रहा है, मैं यहां था, इसलिए पूरे डाटा एनालिस्ट नहीं कर पाया। लेकिन विशेषकर यूं कहूं कि कॉटन की फसल में जो डाटा देखने का जो सिस्टम है ना, वो कम समय में देख लेते हैं। फिर हम व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं जिनमें कॉटन से संबंधित हमारे पास जानकारियाँ आती रहती हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम आपको बता देते हैं। बाकी तुक्के मारना गलत बात है, इसलिए साथियों तुक्के नहीं मारता। तो आज एनसीडेक्स कॉटन के अनुसार साथियों 41,490 में लास्ट में बंद हुए हैं। अरे यार, एक तो ना हल्की क्वालिटी के फ़ोन नहीं लेने चाहिए, हल्की क्वालिटी के फोन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। तो साथियों थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि डाटा बिल्कुल लो स्पीड में है यहाँ, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जल्दी आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेंगे। तो आप अपने अनुमान से आज निर्मा भाव क्या कुछ रह सकते हैं, इस विषय पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, और आपकी मंडियों का अगर हमने मंडी भाव नहीं बताया तो आप हमें वो भी बता सकते हो। साथियों लास्ट में आज 41,490 और हाई में 41,500 रुपये, और अब लो में जो है वो आपका 41,530 रुपये हाई में है। तो साथियों आज की अगर हम बात करूँ तो एनसीडेक्स में भी ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है, और यूएस कॉटन में भी तेजी बनी हुई है। दोनों चीज़ में तेजी बनी हुई है, जाहिर सी बात है। हालांकि हमने रात वाली वीडियो में आपको बिनोला के भाव भी बताए थे, और उसमें भी ज़बरदस्त तेजी थी, जिसके कारण उम्मीद ये है कि आज बाज़ार भाव अच्छा रहेगा। भाई यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है उत्तराखंड का, तो और शानदार मौसम है। और एनसीडेक्स में साथियों बात करूँ तो तकरीबन यूँ कहूँ कि 1,000, अरे आज बार की, अरे शनिवार है, आज शनिवार है। तो रात जबरदस्त तेजी के साथ अपना बंद हुआ था, एक यूं कहूं कि साथियों 1,000 में प्लस था आपका 1,030 यानी कि 2.55, यानी कि ये लो जी बीच में कॉल और आएगी। ये इतनी तेजी मंदी के कारण जो अपना शनिवार को जो डब्बा बंद हुआ है, उसके बाद आज डब्बा पूरे दिन बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। लेकिन तेजी जो अचानक से उछली है ना, उसी अनुसार आज बाज़ार भाव 12,000 प्लस रहने की संभावना है। हालांकि आज ऑनलाइन बाज़ार अपना बंद रहेगा, ऑफलाइन बाज़ार भाव चलेगा। और ऑफलाइन बाज़ार भाव अगर यही आज अपना शुक्रवार होता, या शनिवार और रविवार को छोड़ के कोई दूसरा डे होता, तो आज साथियों ज़बरदस्त तेजी बढ़ने की संभावना थी। तो चलो फिर भी उम्मीद करेंगे आज भी ज़बरदस्त तेजी रहेगी। क्या कुछ रहती है उसके लिए आप शाम वाली वीडियो देख सकते हैं, शाम वाली वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में तेजी मंदी क्या कुछ रहेगी, तो इस वीडियो करते हैं साथियों एंड, और निकलते हैं मेले की ओर। जय जवान जय किसान, सभी साथियों का शुभ दिन हो, सभी किसान साथियों को मेरी ओर से सुबह सुबह की राम राम।